और आगे बढ़ते हुए इस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनेंगे। जाने की वजह से जो उसकी बाकी बीमारियों के जो स्पेशलिस्ट का उसके पास आना जाना है या उसकी वो वाली ट्रीटमेंट है वो उसके अंदर जो है ढिलाई हो जाती है, तो इसलिए सरकार इसके अंदर एक बैलेंस बना के रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कन्वेंशनल उनकी बीमारियों की ट्रीटमेंट है वो कोरोना के चलते डिले ना हो जाए। अभी बीते रोज तक कितने सीरोलॉजी टेस्ट हो रहे थे और अब कितने बढ़ाए जा सकते हैं दिल्ली के अंदर? आप बढ़ाएंगे रैंडम टेस्ट? अभी जो है हम लोग जो है नीड बेसिस पे टेस्ट को बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है कि आप इतने टेस्ट करिए ही करिए। हॉस्पिटल्स को एडवाइस है कि अगर आपको इस तरीके के सिम्टम दिखे हैं जिसमें आपको लगता है कि ये मरीज कोरोना का हो सकता है तो आप उसको कोरोना टेस्ट के लिए एडवाइस कीजिए और करिए। और ये भी देखा है हमने कि जो रोज के कोरोना के टेस्ट आपको पॉजिटिव आते हैं अक्सर ये भी होते हैं कि किसी ने आज कराया टेस्ट वो पॉजिटिव आया, उसने तीन दिन बाद दोबारा कराया, क्योंकि जो एक बार पॉजिटिव आ गया उसको फिर ये चिंता रहती है कि मैं देखूं मैं अब नेगेटिव हो जाऊं, तो कई बार वो भी लोग रिपीट करते हैं अपने टेस्ट, उसकी वजह से भी जो गिनती है कई बार ज्यादा दिखती है। 2200 के करीब टेस्ट हुए हैं जो हमारे बुलेटिन जो है हमारा रेगुलर बुलेटिन उसके अंदर रोज छपता है वो। देखिए केंद्र सरकार का एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स या फ्लाइट्स के विषय में जो उनकी टेस्टिंग है, मुझे ध्यान पड़ता है शायद 2% रैंडमली वो पैसेंजर्स को पिक करके उनके टेस्ट कराते हैं, उसके रिजल्ट्स अभी बहुत कम हैं। ऐसा कोई उसके अंदर रिजल्ट नहीं आया है कि जिसकी वजह से हम केंद्र को कहें कि आप इसके टेस्ट बढ़ाइए। फिर उसकी अपनी परेशानियां हैं, दिल्ली का जो एयरपोर्ट है उसमें वैसे भी जो वेटिंग का जो टाइम है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है। तो हर एक सरकार के डिसीजन के अंदर कई सारे बैलेंसिंग मेजर्स हैं। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं और चूंकि कोरोना के केसेस देश भर में सामने आ रहे हैं, दिल्ली की अपनी तैयारी क्या है इसी को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये मीटिंग रखी गई है और जैसे जैसे केसेस बढ़े हैं वैसे वैसे हमें और आपको भी सावधान रहने की जरूरत है, यही जानकारी सौरभ भारद्वाज के जरिए दी गई है। साथ ही अस्पतालों का हाल क्या है, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जा रहा है, कैसे कोरोना से निपटने की तैयारियां हैं, इसी को लेकर ये बड़ी मीटिंग रखी गई थी।